अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ढेर सारी खुशियाँ बांटते रहें। आप सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक। और आज का मौसम इतना प्यारा है, इतना हसीन है, ऊपर से मौसम दिखाएं कितना प्यारा है। और तकरीबन सुबह सुबह भी बारिश हुई थी, हल्की हल्की रात भी हुई थी, हवा भी चल रही थी। काफ़ी टाइम के बाद हमारी सिटी में तकरीबन एक साल के बाद बारिश हुई है, और पिछले साल हुई थी उसके बाद एक साल के बाद मतलब हमें भी थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम देखने को मिला। तो सुबह सुबह का टाइम है और काम शाम कर रही थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी अपनी थोड़ी थोड़ी करके रूटीन शेयर कर ही दिया करूँ। जो जो कर रही होती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। रात इतनी ज़्यादा बारिश हुई, मतलब जिसकी वजह से ना मिट्टी बहुत ज़्यादा घर में आ गई, गंदगी कितना ज़्यादा हो रहा है जमा। तो मैंने कहा सफाई करके ना, ये अंदर की तो सारी मैंने कर ली थी, अब ये बाहर की बारी है, तो यहाँ पर ये वाला कचरा जमा करके जो बाहर बाहर का सेन है ना, ये मैंने वॉश कर देना है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा मिट्टी है, गंद वगैरह फिर सारा ये अंदर ही आएगा। पहले इस कचरे को बाहर ले जाकर ना इसको इकट्ठा कर देती हूँ, फिर ये जो सिर्फ इतना इतना एरिया है ना, बाकी तो सारी पोछियाँ लगा दी हैं। फिर मैंने कहा यहाँ से मैं सिर्फ ना वॉश कर लेती हूँ। ये मैंने पाइप लगाया ना, तो वो फिर इतना ज्यादा काम नहीं है, बहुत ज्यादा काम है, मैंने तो कर लिया। अब ये ना कहते ना कि इनके घर पाइप नहीं है, पाइप मैंने वीडियो में दिखाया, वो उधर भी अभी भी पड़ा हुआ है। पाइप लगता है तो है ना वहाँ बड़ी मुश्किल होती है, और वहाँ पर बर्तन वोश हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि फिर टाइम लग जाएगा और मैं ऐसे फजील बैठी रहूँ, इससे बेहतर यही है कि ये
और दीपा भी मासी काम आई है। मैं पानी वाली बोतल लेकर आई हूँ। कचरा फंस है अब जाएगा। एक बार चला देंगे समझो काम हो गया। क्योंकि बाहर से रहने देते हैं। पाइप नहीं ना लगाया मैंने, पाइप लगाती तो बाहर से भी जा सकती। कल की थी मैंने सारी गली की सफाई ना, अब फिर रात से इतनी हवा चल रही है कि बारिश हो रही है और कभी हो रही है कभी नहीं हो रही ना, इस तरह से रुक रुक। हेलो किधर गए? जैसे खाली मैंने करने जाने उससे भी आगे भाग के ना रहे। जाओ खा लो, बस ये खाली कर दी है। आज कुछ ड्रेसेस लेकर आए थे तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो वो चेंज मौसम के ड्रेसेस हैं और ये हम सबके हैं। मतलब हमारे घर में जितनी भी लेडीज हैं, मम्मा, मैं, मेरी छोटी सिस्टर, मेरी कज़न और भाभी, हम पांच लोग हैं और ये हमारे सात ड्रेसेस हैं और दो दो मतलब मेरे भी हैं, भाभी के भी हैं, मतलब हम लोगों के सबके मिक्स हैं। तो मैं आप लोगों को खोल खोल कर दिखाती हूँ प्रिंट, कलर और डिज़ाइन, आप लोग देखें और पसंद करें कि वो कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये एक वाइट कलर का ट्राउज़र है, ये आप पहचानने, आप लोगों ने पहचानना है कौन सा ड्रेस किसका है, ठीक है। एक ये वाइट ट्राउज़र है और इसी के साथ हमने मैचिंग में किया है ये वाला कमीज और ये हमने सिंगल पीसेस में लिया है, मतलब कि शर्ट सेपरेट ली है और दुपट्टा सेपरेट लिया है। तो इसके साथ ना ये वाला कमीज है, मतलब वाइट शलवार और ये कमीज, मतलब ये कलर बहुत ही प्यारा लगता है पहना हुआ। और इसके साथ में जो दुपट्टा किया है तो दुपट्टे ज़्यादातर मतलब गर्मियों में ये वाले पहने जाते हैं, वो ज़्यादा हैवी जो दुपट्टे होते हैं वो नहीं लिए जाते। अच्छा, एक हो गया हमारा ये वाला ड्रेस। आपने बताना है, आपने गेस करना है कि कौन सा सूट किसका होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये तो दोनों सेम है ना, इनका तो पता लग जाएगा कि सेम ड्रेसेस किसके हैं। ये ब्लू कलर की शर्ट है, ये सादा है और ये लाइनिंग वाली शलवार है, पास आके दिखाओ। इसके साथ ना ये लाइनिंग वाली शलवार है और ब्लू कलर में ही इसके साथ दुपट्टा, मतलब ये दोनों जो सूट है ना वो सेम है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, ये तो बहुत ही प्यारा कलर है ना, मतलब फेवरेट कलर माना जाता है।
तकरीबन सबका फेवरेट कलर होता है। इसको खोल के दिखाती हूँ, ये देखिए ये बहुत ही प्यारा कलर है, पैरट कलर, पैरट कलर बोलते हैं ये। पहन के जो भी पहनेगा वो पैरट तोता बन जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद इसके साथ ना ये वाला ट्राउजर मैच किया, मतलब सेम नहीं किया, थोड़ा डिफरेंट। अच्छा ये इसके साथ हमने ट्राउजर मैच कर लिया और इसके साथ जो दुपट्टा है वो पैरट ही किया है, और दुपट्टे आपको पता है फिर ऐसे ही लिए जाते हैं गर्मियों में। तो उसके बाद हम भरते हैं नेक्स्ट सूट की तरफ, और ये भी बहुत ही प्यारा सा कलर है, येलो कलर और ऑरेंज, येलो एंड ऑरेंज मिक्सिंग का कलर है, ये भी बहुत प्यारा लगता है। मतलब ये भी टू पीस लिया है और इसके साथ भी हमने ऐसे ही दुपट्टा मैच कर लिया है, मतलब ये भी बड़ा अच्छा। इसके ऊपर डिजाइनिंग वगैरह अभी नहीं की, जब मतलब करेंगे ना डिजाइनिंग वगैरह फिर आप लोगों को दिखाएंगे, आपके साथ शेयर भी करेंगे स्टिच होने के बाद। और उसके बाद है ये वाला ड्रेस, इसका भी कलर और प्रिंट बहुत ही प्यारा है। अब ये देखेंगे इसका कितना प्यारा कलर है, और इसके साथ जो मैचिंग किया है ट्राउजर वो ग्रीन की है। ये जो भी पहनेगा वो मिट्टू बनेगा, ये वाला तोता अगर ग्रीन कलर है, और इसके साथ वाइट कलर में ही दुपट्टा मैच किया है, ये अच्छा लगेगा इसके साथ। अच्छा ये हो गया, इसके बाद हमारा लास्ट जो सूट है वो ये वाला है, इसका भी ये चिकन की शलवार बोला जाता है ना इसको, ये चिकन की इसकी शलवार है और बहुत ही प्यारा प्रिंट है इसके ऊपर। और इसके साथ जो हमने शर्ट मैच की है वो ये है, ये भी बहुत प्यारा प्रिंट और कलर है। अच्छा इसके साथ भी हमने ऐसा ही दुपट्टा मैच किया, तकरीबन सालों के साथ जो दुपट्टे हमने मैच किए हैं ना वो एक ही तरह के मैच किए हैं। ओके गाइस, तो इसी तरह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में रखिएगा यार, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अच्छे अच्छे कमेंट करने है आपने। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगेबान, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अब और बाकी कोई नहीं बैठा हुआ आवाज़।